देश की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार से ही शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी आज से हुई है। शनिवार को शहर के सराफा एसोसिएशन की ओर से रैली का भव्य आयोजन किया गया। 15 अगस्त को देश की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में समूचे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। शनिवार से देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते नागपुर शहर के सराफा एसोसिएशन की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार उपस्थित हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के इस कार्य की सराहना की। सराफा एसोसिएशन के द्वारा यहां पे आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में मैं यहां पे आज भेंट दिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया था। छोटी बच्चियाँ के द्वारा सारे जहाँ से अच्छा की प्रस्तुति की गई और सराफा व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ इस रैली में भाग ले रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। और हमारी देश की आज़ादी जो बहुत कठिनाई से मिली थी, उसको आगे हमारे देश को डेवलप करना है, विकसित करना है और सबको एक जवाबदार नागरिक बनना है, ये संदेश लेकर के जो सराफा व्यवसायिकों ने ये रैली का आयोजन किया है, उसके लिए मैं उन सभी का बधाई देना चाहूँगा। नागपुर शहर के सभी वासियों को मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश रोकड़े ने कहा कि जैसे पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, इसी तरह हम लोग हर दुकान तिरंगा अभियान चला रही हैं। ही रैली काढण्याचा मागचा उद्देश एकच आहे की आज अमृत महोत्सव आहे आणि अमृत महोत्सवामध्ये जास्त करून लोक आजादीच्या नंतर त्यांचं बर्थ झालेलं आहे, त्यांना हे माहिती नाही की किती बलिदानाने ही आजादी मिळालेली आहे। ही आजादी आपल्या लोकांपर्यंत समजली पाहिजे की किती कठीण रूपाने आपल्याला किती लोकांनी शहीद झाले त्याच्यानंतर ही आजादी मिळाली आहे। ही आजादीचं अमृत महोत्सव आम्ही इथे मनवतो आहे। पूर्ण प्रधानमंत्रीचं म्हणणं आहे की प्रत्येक घराला तिरंगा असला पाहिजे, तर आमचं म्हणणं आहे प्रत्येक दुकानाला पण तिरंगा असला पाहिजे। आम्ही या गोष्टीला समर्थन करतोय। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसिक रिपोर्ट।